दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस इश्तेहार लेकर पहुंची और ग्रामीणों के सामने डुगडुगी बजाते हुए उसके घर पर इश्तेहार चिपकाए। मामले को लेकर हथौड़ी थाना प्रभारी मोहम्मद आलम ने बताया कि आरोपी रोशन झा ने बीते महीने अपने गांव की एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता ने इस मामले को लेकर हथौड़ी थाने में आरोपी युवक रोशन झा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी रोशन फरार हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद हथौड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में इश्तेहार की प्रक्रिया अपनाते हुए आज आरोपी के घर डुगडुगी बजाते हुए पहुंच गई। वहां खड़े रहकर पुलिस टीम ने माइकिंग करवाई और आरोपी एवं उसके परिजनों को चेताया कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसके घर की जल्दी कोर्ट से वारंट लेकर कुर्की जब्ती की जाएगी। हथौड़ी थाना कांड संख्या 131/24 में एक FIR हुआ, जिसमें बेरई गांव के रोशन झा पिता अशोक झा ये रेप केस के अभियुक्त थे, जिसमें हम लोग नए धारा में केस किए 64 BNS, पुराना में हो गया 376 और नया में अभी BNS में हो गया 64 BNS। उसमें हम लोग वारंट लिए थे और इनके घर पर बार बार छापामारी की जा रही थी, लेकिन ये घर से फिरार बार बार पाए जा रहे थे। तो हम लोग माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन दिए इस्तहार के लिए, तो कल इस्तहार माननीय न्यायालय से निर्गत हुआ। हम लोग बैंड बाजा के साथ है इस्तहार चपका दिए हैं और उनके घर के वाले जो परिजन थे वो लोग भी कहे हैं कि 2-3 दिन में हम लोग माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दें। इस्तहार चपका दिया गया, अगर नहीं आत्मसमर्पण वो लोग कराएँगे तो फिर हम लोग प्रतिवेदन देंगे कुर्की के लिए, और आदेश हो गया माननीय न्यायालय से, तो हम लोग इनके घर को कुर्क कर लेंगे, चल संपत्ति को कुर्क कर लेंगे। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।